हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CACVLE हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो आप सभी CACVLE को पता होगा कि CACIRCTC का न्यू पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि CAC न्यू पोर्टल से आप किस प्रकार से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को कम्प्लीट फुल स्टेप बाई स्टेप करके दिखाए, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली सी आप लोग को न्यू पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाना है। एंड डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, देन यहाँ पर आप लोग IRCTC लिखकर सर्च करेंगे, देन यहाँ पर से ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से आएंगे एंड लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आई एग्री के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से आपने जो भी CACIRCTC का न्यू पोर्टल, उसमें आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को होम का ऑप्शन मिलता है। देन यहाँ पर से जितने भी अगर इससे पहले टिकट बुक किए होंगे या फिर टिकट बुक करेंगे उसका हिस्ट्री आएगा। यहाँ से टिकट कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और यहाँ पर से TDR एंड साथ में यहाँ पर से टिकट को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से न्यू वेबसाइट का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टिकट बुक करने के लिए सिंपली से फॉर्म सेलेक्ट कर लेना, यानी कि जहाँ जो भी स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर से डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेना कि आप लोग को कौन सा स्टेशन से कौन सा स्टेशन तक टिकट बुक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से ट्रैवल डेट सेलेक्ट करेंगे, ऑल क्लासेस एंड सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देन आप लोग को यहाँ पर से कंप्लीट आ जाएगा कि उस डेट से जितने भी ट्रेन हैं सारे ट्रेन का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर से आप कोटा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ या फिर तत्काल बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर से जो भी क्लास का आप टिकट बुक करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर से पर्सनली सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर से आप लोग को अनलेबल शो होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर से वर्ल्ड क्लासेस में जितने भी टिकट अनलेबल होगा जिस भी क्लास का उसका आप लोग को देखने को मिलेगा। चेक एबिलिटी के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जिस भी डेट का टिकट अनलेबल होगा एंड यहाँ पर जितने भी सीटें खाली होगा उसको आप लोग को यहाँ पर से लिस्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर से 2AC में आप जैसे ही क्लिक करेंगे एंड उस डेट में जितने भी टिकट अनलेबल हो गए उस टिकट को अनलेबल का आप यहाँ पर से देख सकते हैं। एंड साथ में यहाँ पर से वेटिंग लिस्ट भी आप लोग देख पाएंगे। एंड उसके बाद अगर स्लीपर बुक करना चाहते हैं तो स्लीपर का भी आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पर से आप जिस भी डेट को टिकट बुक करना चाहते हैं सिंपली उसमें क्लिक करेंगे एंड ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से आ जाएगा फेयर पर अडल्ट, यानी कि यहाँ पर टोटल जितने भी टिकट का प्राइस होगा इसमें आप लोग को कन्वर्जेशन फ़ी लगेगा। देन यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को पैसेंजर का डिटेल यानी फिल करना है, सबसे पहले टाइटल एंड उसके बाद पैसेंजर का यहाँ पर से कंप्लीट नेम, एज, जेंडर और साथ में कंट्री। एंड उसके बाद यहाँ पर से बर्थ प्रिफ्रेंस शेयर करना है, यानी कि यहाँ पर से कौन सेट का अपर, लोअर और साथ में स्लीपर, जो भी सीट बुक करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद ऐड पैसेंजर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो उसका जो भी डिटेल होगा वो आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग को बता दें कि आप एक ही टिकट में 5 लोगों को ऐड कर सकते हैं एंड उसमें आप टिकट बुक कर पाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर से अगर आप वो जो भी बोर्डिंग है उसे आप चेंज करना चाहते तो येस, अदरवाइज आप यहाँ पर से नो, यहाँ पर आप लोग को कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर से कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाना, यहाँ पर आप लोग को बताया गया है जो भी आपके IRCTC में ईमेल आईडी और साथ मोबाइल नंबर, यहाँ पर से जो भी लिंक होगा उसको आप लोग को यहाँ पर से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर से पैसेंजर का मोबाइल नंबर फिल कर देना है, देन उसके बाद यहाँ पर से आ जाना। उसके बाद जो भी डेस्टिनेशन डिटेल है उसे फिल कर लेना, यानी कि डेस्टिनेशन जो भी स्टेशन नेम है, यानी कि यहाँ पर से जो भी एड्रेस है उसे आप यहाँ पर से फिल करेंगे, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन कोड और साथ में स्टेट सिटी, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद अरिव, जो भी यहाँ पर से अदर प्रिफ्रेंस है अगर इसे आप देना चाहते तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पर से ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में करना चाहते तो येस, उसके बाद यहाँ पर से अगर नहीं करना चाहते नो एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद पे के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपके CAC वैलेट में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर से जितना भी अमाउंट होगा वो आप लोग को देखने को मिलेगा और साथ में जो भी सेल अमाउंट होगा उसको आप लोग को यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से जो भी वैलेट अमाउंट होगा यानी कि आपके वैलेट से कटेगा एंड सेल अमाउंट आप लोग को इतना पे करने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर से ही आप लोग को इंक्लूड कमीशन भी मिल जाता है। एंड यहाँ पर से पासवर्ड जैसे ही इंटर करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर से वैलेट पिन इंटर करेंगे, देन पे के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जैसे ही पे के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर से जो भी पेमेंट होगा CAC वैलेट से सक्सेसफुली पेमेंट
हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को रिडाइट कर दिया जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ पर से जो भी IRCTC का न्यू यूज़र आईडी होगा वो आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर से पासवर्ड आप लोग को एंटर कर देना। यहाँ पर आप लोग को बता दें कि पासवर्ड जो भी आपके IRCTC पुराना पासवर्ड था वही आप लोग को यहाँ पर से पासवर्ड एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर से OTP कैप्चा को फिल करेंगे, देन सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर से आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पर से सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके साथ जो भी टिकट बुकिंग का प्रोसेस है वो भी यहाँ पर से सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड कुछ इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से टिकट्स होगा। इसे आप इसके साथ जो भी आपके रजिस्टर ईमेल आईडी है उसमें भी आप लोग को टिकट को सेंड कर दिया जाएगा। इसे आप प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से CIC के माध्यम से आप IRCTC के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।